मावली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सभी ये जितने हैं कोर्ट के रहमानी असूल में वो सब रिटायर होते चले गए थे, उनकी जगह नई बहाली नहीं की गई। इस तरह रिटायर होते 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 जगह सब खाली हो जाए और मदरसा बिल्कुल आजाद आवाम के हवाले बने। अब ये अपना ये मदरसा माशाल्लाह नए सिरे से कुछ अहबाब ने शुरू किया है, आप अहबाब हैं आए हुए हैं यहाँ की तालीम तरबियत आप देख रहे हैं कि बच्चे इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह हासिल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अपना जिला जो ये शिवहर है बहुत एक्टिव के मदरसे होंगे जहाँ इतनी अच्छी तादाद में बच्चे हासिल हो रहे हैं। मदरसा तो है जी, इसलिए इस तरह के मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे मौलाना आलम साहब ने नजर आया कि प्राइमरी निसाब भी हम लोग इसमें चला रहे हैं कि कमसिन जो बच्चे हैं उनको दुनिया के साथ साथ प्राइमरी निसाब की तकमील हो जाए और ये बच्चे हाफिज इस तरह हो जाए, दुनिया की भी तालीम हो जाए और फिर आगे चल करके किसी भी लाइन पर जाते हैं तो इंशाल्लाह इनके लिए आसानी रहेगी, सहूलत रहेगी। अब असली तालीम की तरफ से है ना लोगों का रुझान हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मदरसे वाले हैं। ये जान रखिए मदरसे का मकसद हरगिज हरगिज जी डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना और वकील और बैरिस्टर बनाना मदरसे का मकसद नहीं है। अभी 20-25 दिन पहले नेपाल में जाना हुआ, अपने वहाँ मसरफुलों में लाइब्रेरी की तामीर हो रही है तो उसके माली प्राइमरी के लिए जाना हुआ। भाई साहब क्या कहने का मतलब ना, जो हिंदुस्तान नेपाल के सारे मदरसे ढक उतरे, इतनी जबरदस्त बात, नेपाल हिंदुस्तान के सारे मदरसे ढक उतरे नाटक है। हमने कहा क्या हो गया नाटक कहते हैं, जो कुरान की हदीस पाक की तालीम हो रही है आप कैसे मुसलमान हैं, कुरान हदीस की तालीम को आप नाटक बतला रहे हैं, आप डॉक्टर कहीं नहीं पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं और वकील बैरिस्टर क्यों नहीं बना रहे हैं मदरसे, डॉक्टर जाकिर नायक क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया, डॉक्टर जाकिर नायक क्या है, इस्लामी मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी रोशनी में इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, बस वो कोई फकीह ही नहीं है, वो कोई मुफस्सिर नहीं है, वो कोई मुहद्दिस नहीं है जी। और कहते चले जाइए जी, आपने डॉक्टर जाकिर नायक को समझा किया, कोई अपने हद में रहे। अब डॉक्टर साहब जो है इंजीनियरिंग का काम करें, इंजीनियर साहब जो है वकील का काम करने जाए, ऐसा हो सकता है जी। देखिए हर एक का दायरे कार अलग अलग जी। बात हमने उसको कहा एक कपड़े की दुकान है वहाँ पर कोई जाकर के भाई सोना चांदी दो, मत तेरी यहाँ कपड़ा मिलता है सोना चांदी नहीं मिलता है यहाँ, अरे इतनी सिंपल चीज आप नहीं रखते हैं, कैसी दुकान है आप। लोहा लक्कर की दुकान में जाए तो गेहूँ चावल तलाश करे भाई, गेहूँ चावल हमको चाहिए, लोहा लक्कर वाला कहेगा भाई यहाँ लोहा लक्कर मिलता है चावल दाल नहीं, अरे इतनी बुनियादी चीज जरूरत की चीज है जिससे आदमी जिंदा रहे, दाल चावल आप नहीं रखते हैं कैसी दुकान है आप, क्या कहिएगा। लोहा लक्कर की दुकान भी बेकार नहीं है, कपड़े की दुकान भी बेकार नहीं है, सोना चांदी की दुकान भी बेकार नहीं है, सब इंसान की जरूरतें हैं, इंसानी जरूरतों में अल्लाह ने अपने बंदों को लगा दिया। ऐसे ही दीन की कुरान और हदीस की हिफाजत और उसके इल्म की एक जरूरत है, इस जरूरत को मदरसे वाले पूरा कर रहे हैं। सोना चांदी की दुकान में कपड़े न मिले तो ये कोई ऐब नहीं है, मदरसे से अगर कोई डॉक्टर और मास्टर और इंजीनियर और बैरिस्टर नहीं पैदा होता है तो ये कोई ऐब नहीं है मदरसे के लिए, मदरसे का मकसद ही ये नहीं, ये जहन में आप रखिए। हिंदुस्तान के ऊपर जब अंग्रेज का तसल्लुत हुआ था और मदारिस के ऊपर बिलडोजर चला करके बिल्कुल निष्माम कर दिया था 1857 के बाद जी, तो उस वक्त है वो शख्स ऐसे हुए खड़े हुए जिनके दिलों में अल्लाह पाक ने दो चीज़ों को डाला, सर सैयद अहमद खान साहब के दिल में डाला कि इस उम्मत को डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, बैरिस्टर की जरूरत है, इन जरूरतों के तहत उन्होंने काम किया, फिक्र किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करके इस जरूरत को पूरी करने के लिए फिक्र किया। हजरत मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह के दिलो दिमाग में अल्लाह ने डाला कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत
तारीख नजर आ रहा है, कुरान की हिफाजत होगी तो कैसे होगी, हदीस की हिफाजत होगी तो कैसे होगी, इस उम्मत को सही इमाम कैसे मिलेगा, इस उम्मत को सही हाफिज कारी कैसे मिलेगा, इस उम्मत को सही मुफ्ती और काजी कैसे मिलेगा। ये फिक्र हजरत नानक रहमतुल्लाह अलैह ने किया, अदालत जबल की बुनियाद पड़ी, छह महीने बाद बदायूं धारण की बुनियाद पड़ी, शाही मुरादाबाद की बुनियाद पड़ी, नजरतुल उलमा दारुल नजरतुलमा की लखनऊ की बुनियाद बहुत बाद में पड़ी। किस तरीके से इन्होंने इस प्लेटफॉर्म का काम किया, तो मदरसे का मकसद ही नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनाना, मकसद तो यहाँ सही तालीम और तरबियत, कुरान हदीस की हिफाजत और उसके लिए सही हामिल आदमी को पैदा करना, ये उसका मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना नानुद्दीन अली रमा ने जो फिक्र किया उसके तहत जो मदारिस चल रहे हैं माशाल्लाह, इस फिक्र के तहत हजरत नानुद्दीन 100% कामयाब। आज मुफ्ती की कमी नहीं है, आली हाफिज की कमी नहीं है, आलिम की कमी नहीं है, नहीं है कमी, बल्कि इतने हाफिज है कि अहमदाबाद में जाना हुआ है, खाजी साहब ने कहा कि मौलाना हाफिज बनाना बंद कर दीजिए, हाफिज बनाना बंद कर दीजिए, भाई क्या हो गया, क्या बंद कर दें, रमजान शरीफ आता है लेकिन मस्जिद में दस दस हाफिज आ जाते, हम सुना देंगे तो हम सुना देंगे, मारमारी होती है, इसे हाफिज बनाना बंद कर। हमने कहा कि हाजी साहब हम लोग हाफिज इसलिए नहीं बनाते हैं किस तरह हमें सुनाओगे, हम तो हाफिज इसलिए बनाते हैं कि हिफ्ज़े कुरान पर जो अल्लाह ने बशारत दी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे किए हैं, वो वादे वो बशारत वो फजीलत इन बच्चों को हाफिज, और इसलिए कि अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा किया है ना, उस हिफाजत के कारिंदे हम सब हो जाएं, फरिश्तों के जरिए से हिफाजत के क्या करें, अल्लाह हम ही लोग तैयार हैं तो हम हिफाजत करेंगे, और करेंगे तो हम करेंगे। गार्जियनों के दिल में डाला इन बच्चों को हाफिज बनाना, इन बच्चों के दिल में जज्बा पैदा किया कि हाफिज बनना जी, इस तरीके से अल्लाह पाक उन्हीं हुफ्फाज़े किराम के जरिए से, इन्हीं उलमाए किराम के जरिए से कुरान और हदीस की हिफाजत का काम ले रहा है, वह हम सब अल्लाह के कारिंदे हैं, अल्लाह के सोते हुए काम को फरिश्ते कर रहे हैं तो फरिश्ते कारिंदे हैं, और ये हुफ्फाज़े किराम की अदा कर रहे हैं तो अल्लाह के उस हिफाजत कुरान के वादे के मुताबिक ये अल्लाह के कारिंदे हैं, अल्लाह के काम में लगे। तो दोस्तों और बुजुर्गो, इसलिए जहाँ आप बैठे हुए हैं इस तरह के इदारा को आप गनीमत समझें, और इस तरीके से जो है इसका ताबुन करें, इस पर तवज्जो दें, बच्चों को भेजें, इतने बच्चों को भेजें कि हमारे मौलाना आनंद साहब नाक दम हो जाएं जी, इतने बच्चों को भेजें जी, और इस तरीके से जो है काली बच्चे को भेजने से ना होगा, पैसा भी तो भेज देते होगा ना, ताबुन भी दें और बच्चों को भी दें, और अब तो माहौल ऐसा अच्छा बनता जा रहा है, कई जगह जाना हुआ, अभी जो है दरभंगा में विद्यालय के पास मिर्जापुर वहाँ जाना हुआ, माशाल्लाह एक हाफिज कारी साहब हैं जो अपने कन्हे के पढ़े हुए हैं, उन्होंने उनके आगे ऐसी तैसार कर दी थी, उन्होंने कहा कि मौलाना हम फीस लेते हैं और खूब बजा करके अच्छी तालीम देते हैं, हमने बड़ी शाबाशी दिया, बड़ी बात दिया, जरूरत इस बात की है कि अच्छी फीस ले और अच्छी तालीम दे, अच्छी तालीम पर स्कूल कॉलेज की तालीम पर इतना अपना खर्च हो रहा है तो क्यों नहीं मिली तालीम पर खर्च हो, अब माशाल्लाह लोगों का मिजाज बन रहा है, बन रहा है। अल्लाह पाक हमारे इस इदारे को कबूल फरमाए, हमारे इन हाफिजों को कबूल फरमाए, इनके वालिदैन को कबूल फरमाए, इनके असातिज़ को कबूल फरमाए, और इन सब के लिए हिफ्ज़ कुरान को हर तरह से खैर का बरकत का जरिया बनाए। आखिर में मैं एक बात कहूँ, हमारे बच्चे हाफिज हुए हैं जी, ये ज़रूरी है कि दौड़ सुना करके एक तो पक्का कर लें कुरान पाक को ताकि भूलने का खतरा न रहे, दूसरी बात यह है कि हिफ्ज़ कुरान पाक की दौलत को बरकरार भी रखें, दौलत को हासिल कर लिया और लुटेरा लग दिया लुट दिया तो शैतान जो है लुटेरा है ईमान का अमाल का, तो इसलिए इसे पढ़ते रहें ताकि हिफ्ज़ कुरान भूले, कुरान पाक को भुलाएं नहीं, भूल जाना ये जुर्म नहीं है, भुला देना जुर्म है, हिफ्ज़ कुरान के साथ ही जिंदा रहें, हिफ्ज़ कुरान के साथ ही मैदान हश्र में जमा हों, अरे हिफ्ज़ कुरान के साथ ही जन्नत में जाएं, अल्लाह ऐसा ही कर दे।